फ्रेंड से ये है मेरी जिठानी जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा। वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स हम भी अच्छे हैं। सुबह के 10 बज गए हैं और 10 बजे निकले हैं हम बन्नत से। जैसा कि मैंने आपको कल दिखाया था कि इतना ज्यादा कोहरा था रात कि हम हथछोया गाँव जाने वाले थे अनिल भैया के साथ में, लेकिन नहीं गए क्योंकि बिल्कुल नहीं दिख रहा था कुछ भी। और अब 10 बजे हम निकले हैं बन्नत से। गुड मॉर्निंग साहब। सर जी ड्राइव कर रहे हैं और कोहरा जो है वो इस टाइम इतना नहीं है क्योंकि हल्की हल्की धूप निकल रही, थोड़ी बहुत देर में निकल जाएगी क्योंकि ऐसा मौसम हो रहा है। तो नाश्ता कर लिया था, सर जी ने भी नाश्ता कर लिया था, लेकिन काव्या ने हमारी चाय भी नहीं पी है। घर पे चाय पी लेती है और वहाँ कह रही थी भाभी के यहाँ पे मैं चाय नहीं पीती हूँ, चाय से ताकत नहीं आती है मम्मी। हाँ अच्छा, अब क्या पियोगी, क्या खाओगी? अब आप खाऊंगी नहीं, कुछ पियूंगी। क्या पियोगी बताओ? मैं रेड वाली चाय पियूंगी। रेड वाली कौन सी चाय आती है बच्चा? अरे वो पीछे कलर रखा हुआ है, रेड वाला। रेड वाला कलर रखा हुआ, उससे कौन सी चाय बनेगी? अरे उससे नहीं, दूसरे शेप। अच्छा मैं पागल हूँ? ए मैं पागल हूँ? हाँ। बंदर, वे बंदर कितना नालायक हो रहा है गधा। कुछ इस तरीके का है बाहर का मौसम, देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि हम आ रहे हैं शामली से, लेकिन रास्ते में ये पड़ता है सरदना और हमने सोचा चलो जा तो रहे हैं सरदने की चर्च को, आज आप सबको दिखाते हैं सरदने की चर्च, घूमा जाए। तो थोड़ी सी हमने अपनी ड्राई क्लीन कर लिया क्योंकि हम जैसे उठे थे वैसे ही भाग आए हैं वहां से। आज नहा करके नहीं आए ना, क्योंकि घर तो रोज नहा लेते हैं सुबह, लेकिन आज हमने हाथ धो करके ही काम चला लिया। हम वहाँ पे रुकने के हिसाब से नहीं गए थे, हम कपड़े उपड़े नहीं ले गए थे, हमें ये लग रहा था कि हम देर रात तक भी आ जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि जो मौसम है वो इस तरीके से हो जाएगा और हमें इतनी ज्यादा देर हो जाएगी। तो यहाँ पे आके हमने थोड़ी सी अपने आप को सबने ड्राई क्लीन कर लिया, काव्या को भी थोड़ा तैयार कर दिया है, सर जी भी और मैंने भी, और अब चल रहे हैं फ्रेंड्स सरधने की चर्च देखेंगे तो आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए, हमने भी कभी नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। मेरठ से पहले ही पड़ता है, अभी हमने मेरठ पार नहीं किया है। तो अभी लिखा था वहाँ पे सरधना, तो सर जी ने कहा चर्च देखोगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलिए, तो फिर आपको भी दिखाते हैं सरधने की चर्च। तो फ्रेंड्स आप ये देखो, यहाँ पे पैठ लग रही है भैंसों की, बहुत सारी भैंस और बहुत सारे लोग और कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। तो फ्रेंड्स बहुत दूर से और यहाँ तक, यानी बहुत सारे एरिया में लगी हुई है ये पैठ भैंसों की। मुझे लगा सबसे बड़ी पैठ है, भैंस खरीदी और बेची जा रही है यहाँ पे, और ये कितनी दूर इलाके की सबसे बड़ी पैठ, बहुत दूर तक ये देखो गाड़ी है और बहुत बहुत ही बड़ा सा एकदम एरिया है वो। तो फ्रेंड्स हम पहुँच गए हैं सरधना, तब देखो यहाँ से कितनी दूर है चर्च। तो फ्रेंड्स आज मकर संक्रांति है और उसी के उपलक्ष में ये बट रही है तहरी। तहरी नहीं, खिचड़ी है शायद, खिचड़ी तहरी है, खिचड़ी है, हाँ मम्मी खिचड़ी है। तुम तो तो फ्रेंड्स खिचड़ी और खिचड़ी के साथ भी शायद कुछ बट रहा है। ये पागल कहाँ से सीख गई है, हर चीज में कहने लगी है कुछ मुझे बताएगी तो कहती है पागल। कहाँ बिक रही है को तो बस ये लगता है मंदिर मम्मी। तो ये जो दीवार थी ना अभी साइड में, ये वाली देखिए, ये वाली चर्च की ही दीवार है, हम उसी के पास चल रहे हैं और अब आपको पूरा चर्च घुमाएंगे। तो फ्रेंड्स चर्च तो हम पहुंच गए हैं और गाड़ी को यहाँ पार्क कर दिया, सर जी गाड़ी लॉक कर रहे हैं। और ये चर्च का जो व्लॉग है ना, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे चर्च पूरा आपको दिखाऊंगी तो चर्च की जो वीडियो बनी थी ना वो काफ़ी बड़ी बनी थी और उसको इतनी छोटी वीडियो में समेटना बहुत ही मुश्किल है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको चर्च मिलेगा और इस व्लॉग में तो हम कहीं और घूमने चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आ गए हैं हम अपने भैया जी के घर मेरठ के पास, जा तो रहे थे हापुड़ को, लेकिन आ गए हम यहाँ गांव का नाम है पोली और ये है हमारी भाभी जी, नमस्ते भाभी, और ये हमारी बिटिया अंशिका, और ये जब से हम आए ये जब से सेवा में लग रहे, कभी चाय कभी पकौड़ी कभी कुछ। ये क्या बना रही है? वह बना लिया, अब तो लड़की पकौड़ी बड़ी होगी भाई, बस वेरी गुड, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाई। और मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने कितना इंतजाम कर रखा है यहाँ, काई बना रही है आलू की, वेरी गुड।
तो ये है हमारी मामी जी। बैठ जाओ, चाय ठंडी हो गई। मैं तो पहली बार ही आई हूं। वो देखो इन्होंने चाय बना दिया है इतनी जल्दी। चाय के साथ मैं तो मामा जी के पास गया था। समोसे भी ले आए। पहली बार गया जब कहीं। पकौड़ी बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं मैं जाना जाना क्या ये कहने लगे कि ये करना वाले हैं। करना है पोली। पोली तो दोस्तों जैसा कि यहाँ धूप बहुत अच्छी निकली है, हम आ गए हैं सब नाश्ता करके छत पर। और ये काव्या ने जिद करी थी किसकी? नेल पेंट की। नेल पेंट की। और ये लगवा ली है और बड़ी सुंदर लगी है। किसने लगाई है? किसने लगाई बताओ? ताई जी ने। और ये देखो यहाँ चल रहा है लेडीजो वाला प्रोग्राम। किसकी जिद करी थी आपने? इस खिलौने की। हाँ सोनम देख ला, नाम याद हो गया ना मेरे? सोनम हो गया ना। सोनम और वंशु कुखड़ा। और प्रिंस गया बाहर पापा के साथ। और एक है अंशिका। तो ये है जी कुछ इस तरीके का गांव। और ये सामने वाला जो घर है ये भी हमारे मामा जी का ही है। क्योंकि धूप निकली है तो सभी की छतों पर ज्यादातर कपड़े सूख रहे हैं। हाँ सूर्य देवता ने खूब अच्छे से दर्शन दिए हैं आज। पड़ोस में चल रहा है थोड़ा सा काम। किसकी कॉल मिला रही हो? ये जब भी हमारे घर गई हैं तो इन्होंने आने को बोला है। और आज हम पहली बार इनके यहाँ पे आए हैं, लेकिन ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और हम दोनों ने मिलके बहुत सारी बातें की अपनी। कुछ इन्होंने बताई मुझे, कुछ मैंने इन्हें बताई। हाँ कबूतर, गिलहरी नहीं कबूतर भी है। हाँ गिलहरी भी बैठी है। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे अपनी जिठानी से मिलके। तो मैंने फर्स्ट टाइम ब्लैक कलर की नेल पेंट लगाई है। नहीं तो मेरा जो फेवरेट कलर है वो रेड कलर है। शादी से अब तक मैंने रेड ही कलर लगाया। कभी ग्रीन लगा लेती हूँ। सबका रेड ही रह जाता है। नहीं ग्रीन भी लगा लेती हूँ पर ब्लैक कलर की फर्स्ट टाइम ही लगाई है। फ्रेंड से ये है मेरी जिठानी जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार घर पे गई है और कह के भी आई है। हम पहली बार इस बार हम निकल रहे थे तो देखो मिल के चले। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके और बच्चों से सबसे मिलके। और बंदर को भी, ये बंदर को भी हमारे, ये पुरानी सहेली है मेरी। ये है सर जी की मामी जो सर जी को मिलाई दे रही है और सर जी मना कर रहे हैं बार बार। हमारा हापुड़ स्वच्छ हापुड़। तो फ्रेंड्स हमने हापुड़ में एंट्री कर ली है। अरे वाह हापुड़ कैसे लग गया? हाँ देख लो, अरे वाह हमारा हापुड़ आ गया। ये आज हम खुश हैं। 5:30 बज गए हैं और हम हापुड़ आ गए हैं। अरे बताया फ्रेंड्स, हम लोग 5:30 बजे घर आ गए थे और आके सारे कपड़े पड़े सब रख दिए मशीन पे। फिर काव्या को निलाया, मैं नाई, सर जी नाए और तब से ही काम में लगे हुए हैं। 9:30 बज गए हैं, अब आई हूँ मैं ऊपर और मैंने अब हाथ सेक लिए हैं और अब बस इतनी थकान हो रही है, मन कर रहा है बस सो जाओ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।